एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। और ये है आपकी तीसरी वीडियो जो हम बना रहे हैं जीके पेपर के लिए। बहुत ही इनडेप्थ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो हमारा हिस्ट्री है उसे कैसे हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूं कि मैंने हिस्ट्री को बहुत बेसिक से काफी देर में तैयार करने की कोशिश की और आज मैं मानता हूं कि हिस्ट्री में काफी ठीक मेरा नॉलेज है। तो चलिए बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि हमने पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए। पहले हमने प्राचीन भारत के बारे में बात की थी, उसकी टाइमलाइन कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। फिर हमने आधुनिक भारत की टाइमलाइन की थी और अब आ रहे हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इन जो स्रोत जो ये हैं, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे जीके के क्वेश्चंस, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है किसी ना किसी पेपर में। तो अब चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो पहला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। दो स्रोतों में हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होते हैं साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में आप इनको याद कर लीजिए, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियां और मोहरे, तो ये आपके इतने हो गए हैं पुरातात्विक स्रोत। अब आती है साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में बहुत कैटेगरीज बनती हैं, उनमें कुछ है भारतीय, कुछ है विदेशीय। भारतीय में जो है वो है धार्मिक, फिर है धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। यहाँ पे धार्मिक जो है, धार्मिक को हमने तीन में डिवाइड किया है। पहला है आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है जैन। इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया भारतीय सभ्यता को, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो इनका किसी धर्म विशेष से कुछ लेना देना नहीं होता, ये किसी भी परिस्थिति में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो उनमें से है अर्थशास्त्र, दूसरी बुक है राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम और हर्षचरित, ये आपकी धर्मनिरपेक्ष किताबें हैं। अब बात करते हैं कि पहले धार्मिक में जो थे ब्राह्मण, ब्राह्मण में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं बौद्ध, सुत, विनय, अभिधम्म। यहां पर आपको ध्यान देना है सुत, तो जो भी बौद्ध साहित्य है इनके पीछे आपको पटक भी लगाना है, ऑलराइट, पटक। तो आप इसे इस तरह सुत पटक, विनय पटक, अभिधम्म पटक, इस तरह से ये तीनों चलते हैं। तो सुत पटक, विनय पटक, अभिधम्म पटक, मिलिंद पानहु और बुद्ध चरित और दिव्या वदन। तो विनय सुत के साथ मिलिंद से अभी मिली बुद्ध से, बुद्ध के घर जाने के लिए। तो देखिए क्या है, मिलिंद अभी मिली किस से, विनय से, ठीक है, विनय और सुत से कहां जाने के लिए, बुद्ध के घर जाने के लिए, इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, आपको ये चीजें बिल्कुल रटनी है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि बाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें ही रिपीटेशन में हो रही हैं। अगर एक बार खाका बन जाता है दिमाग में हिस्ट्री का तो हमें बाद में हम इसको एंजॉय भी करते हैं। अब आते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणि, मेखले, जीवक, चिंतामणि। उसके बाद आती हैं कुछ यूनानी राइटर हैं, चीनी राइटर है, अरबी राइटर है। चीनी राइटर के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे आप याद कर सकते हैं, फासी हुई। अब क्योंकि ये छोटा बोर्ड है, इस पे काफी सारी चीजें एक साथ लिखने को, क्योंकि बार बार इसे लिखते रहो तो उसे बहुत लंबा भी वीडियो होता है, उसे अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और मुझे पर्सनली लगता है कि उसे डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो को देखते हुए सुनते हुए अपने नोट्स बनाइए। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बताया, चीनी जो जितने भी हमारे यहाँ आए विदेशी, हम कह सकते हैं विदेश से यहाँ घूमने आए, यहाँ से स्टडी करने के लिए आए, तो उसमें फांसी हुई जो चाइना वाले हैं तो उन्हें आप कर सकते हैं फांसी हुई से, फा से फाइयान, सी से सयुगन, यहाँ पे एक छूट गए हैं वो है आपके सयुगन। तो फांसी सबसे पहले फा, तो फांसी फाइयान, सी सयुगन, फिर आए हुई वेनसांग और फिर है इत्सिंग, इत्सिंग आए, तो चार ये आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यूनानी जितने आए थे उनमें से मैगस्तनी सबसे पहले है, फिर है टॉलमी, फिर है हेरोडोटस, फिर है निर्यांकस और अरिस्टोबुलस। ये आपको इसी सीक्वेंस में आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद है अरबी। अरबी कौन कौन से आए हैं? अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी। अब आप यहां पे थोड़ा सा इसे मैंने इस तरह से इसको शॉर्टकट बनाने की कोशिश की थी कि जिनके आगे अल अगर लग जाता है तो वो सारे क्या थे आपके? अरबी थे। ओके, मार्को पोलो इटली से आए थे, इन्हें आप थोड़ा सा अलग रख सकते हैं। मार्को पोलो आए थे इटली से, और इब्ने बतूता जो आए थे वो आए थे मोरक्को से। अब आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे हैं तो उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हैं वेद। वेद हम सभी को याद है कि पहला ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के लिए एक शॉर्टकट ये है आपका, सारी आयु पाए गोस्त। तो सारी आयु पाए गोस्त, ये ब्राह्मण ग्रंथों का एक शॉर्टकट है, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, गो समझ में आ गया होगा आपका, स पाए पंच, ये सारी आयु पाए गोस्त, तो आपका त से तैतरी गोस्त गोपत सारी आयु पाए गोस्त। इसमें आपका एक कौशी तक ही ये छूट गया है। अभी एक्चुअल में मुझे मैंने क्यों छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि मेरा खुद का नाम ही कौशिक है, इसलिए मुझे ये याद रहता है कि ये कौशी तक की है। ठीक है, तो कौशिक आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये चैनल जो है ये कौशिक का है, तो कौशिकी एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से है, तो आपको ये याद रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा सारी आयु पाए गोस्त, सारी आयु पाए गोस्त, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है आरण्यक। आरण्यक जो ग्रंथ होते थे वो वनों में लिखे गए ग्रंथ है। तो तैतरीय मैत्रायणी ऐतरेय। उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, कठ तो ये कठोपनिषद इसे बोला जाता है कठोपनिषद, एंड वृहदारण्य और मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा। वेदांग में है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद है उपवेद। उपवेद आते हैं, वेदों के उपवेद होते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एंड शिल्पवेद। षट दर्शन में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसके बाद है महाकाव्य रामायण एंड महाभारत, ये हमको याद है बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और फिर हमारे पास 18 पुराण हैं और कुछ स्मृतियां हैं। तो ये हो गई हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने स्रोत हैं, इनको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। और हमारा जो डे थर्ड का लेसन है इसी के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको। और अगर आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।